डीएम सिटी करनाल में मांगों को लेकर पोल्ट्री पालकों का धरना लगातार जारी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने पोल्ट्री पालकों द्वारा दिए जा रहे धरने का समर्थन किया। इस दौरान करनाल विधानसभा क्षेत्र में जन समस्याओं के प्रति मुख्यमंत्री तथा करनाल के विधायक मनोहर लाल की अनदेखी के खिलाफ शहर में जिला कांग्रेस ने ढोल बजाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, इसलिए ढोल बजाकर कान खोलो प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद राज्यपाल के नाम एसडीएम नरेंद्र मलिक को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले मिनी सचिवालय के सामने 3 घंटे तक धरना दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला संयोजक व मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के उम्मीदवार सरदार त्रिलोचन सिंह ने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने 2016 में मीडिया के माध्यम से घोषणा की थी कि 2019 तक हर आदमी को मकान दिया जाएगा। करनाल के विधायक बताएं कि उन्होंने कितने लोगों को अब तक मकान दिए हैं और कितने लोगों के मकान अवैध निर्माण के नाम पर ताड़े हैं। इस अवसर पर पंकज पुनिया ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा लोगों को अनाप शनाप बिल भेजे जा रहे हैं, जिससे महीने में से लोगों के 15 दिन तो बिल ठीक कराने में ही लग जाते हैं। करनाल की जनता सड़कों की बदहाली से परेशान है और यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट। आपको हैरानी होगी कि मुर्दा घर में आज मुर्दा भी सुरक्षित नहीं है इस सरकार के अंदर। तो साथियों, अब समय आ गया और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। आपको सिर्फ संगठित होने की जरूरत है और विश्वास जगाने की जरूरत है। जिस दिन ये संगठित और विश्वास जग गया, इस गुंडीदारी सरकार में कान अपने आप खुल जाएंगे। उनकी आंख भी बंद है, कान भी बंद है, सिर्फ उनको बोलना आता है। कभी वो गिलासा चलाते हैं, कभी कश्मीरी सच लाते हैं, बोलना आता है। उनको सुनना नहीं आता, उनको देखना नहीं आता। जब तो वो आंखें और कान नहीं खोलेंगे, हमारा धरने प्रदर्शन लोग जारी रहेंगे। मासामी शर्मा साहब एक्स एम एल ए हैं, पंकज पुनिया हरी लाल सिंह जी पंडित जी है, अब मैं नाम लूंगा, समझ के नाम लूंगा, हम सारे आपके साथ हैं। राज्य की ना प्रेस वाले अंदर होंगे ना अंदर की बातें बाहर आएंगी। पिछली बार 9 घंटे हाउस के अंदर एमसी रो रहे हैं, उनकी बात हमने दिखा दी। एमसीओ का आरोप है कि जो उन्होंने एजेंडे पास करवाए थे उस पे से ना कोई कमेटी बनी ना कोई जांच हुई। वो ऐसे है करनाल के अंदर, आप ये भूल जाओ, मैं खाली राजनीतिक तौर पे नहीं कहना चाहता, मैं सामाजिक तौर पे कहना चाहता हूँ। आप ये भूल जाओ, ये करनाल वो करनाल है जहाँ पे लोग भागे चले आते रहे, ये करनाल वो करनाल है जहाँ के लोग खुशहाल थे, उनके चेहरे पे रौनक थी। ये करनाल के चेहरे पे रौनक भी खत्म होगी, करनाल की जो खुशहाली खत्म होगी। सड़कें टूटी हुई हैं, लोग पैदल नहीं चल सकते, पानी गड्ढों में भरा जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं खत्म है, डेंगू और मलेरिया सबसे पहले करनाल में आता है। मैं 3 बातों की बधाई आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को देना चाहते हैं। बीमारी का मैन जब हरियाणा में फैलती है, सबसे पहले करनाल में आती है, पहला नंबर लेने के लिए मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। क्राइम हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा करनाल में है, इस बार की बधाई देता हूँ कि पहले नंबर पर हमारा करनाल है मुख्यमंत्री महोदय। भ्रष्टाचार में सबसे पहले करनाल है, इस बार की बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री को कि आप 3 जगह आगे हो, बाकी सब जगह पिछड़े हुए हो। 3 राउंड में आप आगे जरूर चल रहे हो, आपके कान भी बंद हैं, आपकी आंखें भी बंद हैं। सड़कों को लेकर क्या कहेंगे, सड़कों की हालात बहुत, सड़कें 75% खत्म है। हम 15-20 दिन के बाद हर सड़क पर धरना देंगे जहाँ जहाँ सड़कों में जरूरत है। अगर जरूरत पड़ी हम सड़कें जो मिट्टी निकल आई है उसमें बाजरा बीजेंगे या बरसम बीज देंगे, ताकि लोगों को पता लगे भी ये खेत है, ये सड़क नहीं है। कांग्रेस एकदम आक्रामक हो गई, कोई खास कारण इसका? मैंने 2014-19 में वादा किया था करनाल के लोगों के साथ, मैं विधायक बनूं या न बनूं आपकी आवाज़ जरूर बनूंगा। मैं वो जो वादा है वो पूरा कर रहा हूं। मैं महसूस करता हूं कि करनाल के लोग चिंतित हैं, करनाल के लोग परेशान हैं, करनाल के जनता अपने को ठगा हुआ महसूस करती है कि हम कहां खड़े हैं, वो सीएम कहां है जिसको हमने बड़ी खुशी से जिताया था। दूसरी बार 49% वोट पोल होना इसी बात का जाहिर करता है कि लोग मुख्यमंत्री की कार्यशैली से खुश नहीं हैं। वो कांग्रेसी नहीं होंगे जिनको हमने बुलाया और वो नहीं है, वो कांग्रेसी नहीं है, वो सिर्फ सुमिता सिंह जी कांग्रेसी नहीं है। मैं ये किसी नहीं कहता जो जिनको हमने बुलाया, आपको नहीं पता हमने उसको बुलाया नहीं बुलाया, जिनको हमने बुलाया वो अगर नहीं आए, मैं मानता हूँ लोगों की उनके दिल में दर्द नहीं है, लोगों के लिए करनाल के लोगों के लिए उनके दिल में दर्द नहीं है। करनाल के वो डरते हैं सीएम से, वो डरते हैं मुकदमा ना बन जाए, वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे चाहे हम 50 हो चाहे 100 हो। शहीदान भगत सिंह जब घर से निकला था अकेला निकला, उन्होंने लड़ाई लड़ी, हम उसके पद चिन्हों पर चलेंगे, हम उसके वंश औलाद हैं, हम उसके। मैंने अभी एसडीएम साहब को ये बात कही
भाई पोल्ट्री पर की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। एक महीने से वो बैठे हैं, उनकी जायज बात है, जायज मांग है। वो कहता है जैसे किसानों को सुविधाएं दीजिए हैं, हमारे को किसान माना जाए, वो भी उपज करते हैं। एक आदमी जो माफिया के तौर पर कंट्रोल करके बैठा है सारे हरियाणा के ऊपर, सारे हिंदुस्तान के ऊपर, उसकी मोनोपोली खत्म क्यों नहीं कर जाती? क्या वो सीएम महोदय का रिश्तेदार है? मेरे को मालूम पड़ा जो जिसकी बात ये करते हैं बार बार, वो सीएम महोदय का रिश्तेदार है। सीएम ने उसको खुली छूट दिया है, अंडा सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। आज वो बैठे हैं परेशान है, पोल्ट्री खत्म होता जा रहा है, ये कहाँ तक सीमित है? इसलिए हम उनके साथ हैं। कोरोना का नाम लेकर झूठी बात है, कोरोना मुख्यमंत्री को तो नहीं हो रहा, कोरोना मंत्रियों को तो नहीं हो रहा, जो रोज रात को मीट मुर्गे खाते हैं उनको तो कोरोना नहीं हो रहा, लेकिन पोल्ट्री इस वक्त कोरोना कैसे हो जाएगा? झूठी बातें हैं, ये डराने की बातें हैं। मुख्यमंत्री पूरी तरह फेल हैं। जब चौधरी हुकम सिंह मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के, लोगों ने कहा था डम्मी मुख्यमंत्री आ गया। मैं कहता हूँ वो बहुत बढ़िया थे, आज डम्मी मुख्यमंत्री है, उससे पहले डम्मी मुख्यमंत्री नहीं था। मैंने अपनी बात कही थी, बजट केवल इनकी जो दृष्टि है उसके हिसाब से हम बजट को मजाक मानते हैं। इन्होंने टाइम पास करने के लिए बजट रखा, टाइम पास करने के लिए बजट डिक्लेयर कर दिया, कुछ भी नहीं होने वाला, ये खाली कोरे कागज थे। बजट तो वही चलेगा जो इनकी कलम से चलेगा। इन्होंने अगर कह दिया 100 करोड़ देंगे, 10 करोड़ दे के कह देंगे पैसे खत्म हो गया। मुख्यमंत्री महोदय ने जिनकी घोषणा इनके मंत्री ने की थी जाके अपने कोटे से पैसे देने के लिए, आज तो उनकी पेमेंटें नहीं हुई, ये लोगों को क्या देंगे? बजट खाली दिखावा है, टाइम पास करने का टाइम है, ये सरकार बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और बहुत जल्द हरियाणा के अंदर एक ऐसा बवाल मचेगा कि लोग सड़कों पर उतरेंगे, जवाब दे होना पड़ेगा मुख्यमंत्री को। अगर एक मुख्यमंत्री बदल जाता है तो हो सकता है कुछ माड़ी मोटी चेंज हो। बहुत जल्दी इनकी सरकार टूटने वाली है, विधायक इनका साथ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बहुत जल्द हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। ये जो भाग के उधर गए हैं वही हमारे का सहयोग देंगे, क्योंकि इनकी जो कार्यशैली है उससे वो तंग है। आगे भी ऐसे जारी रहेंगे? ये धंधा दे दिया, कान खोल दिए, आंखें खोलेंगे, ड्रॉपर लेके आएंगे, उसके बाद भी नहीं करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, हम डंडे खाएंगे। जो जो साथी डंडे खाने के लिए तैयार है वो हमारे साथ रहेंगे, जो घरों में बैठ जाएंगे दुबक के वो राजनीतिक खाने वाले घर रहेंगे। आपके गांव में आपने भी धरना दिया था, सड़कों का बड़ा बुरा हाल था, क्या राजनीति? देखिए उपल जी, ये सरकार सबसे पहली ऐसी अपने इतिहास में सरकार है, चाहे यहाँ पे कर्मचारी धरने दो या व्यापारी दो, किसान दो, युवा दो, महिलाएं दो, मतलब इस सरकार के कान पे कोई जूंग नहीं रखती, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने कान आँख सब मुंह सब बंद करके बैठे हुए हैं। इनकी कलम चलाने के लिए इनके हाथ जो है सरकार के टायर, सरकारी गाड़ियों के टायर के नीचे आए हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि फाइल साइन हो जाए, लोगों के काम हो जाए। आज सड़कों का इतनी हाल है कि मुख्यमंत्री को 2 किलोमीटर अगर जाना है मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर लेके चले जाएंगे। अब करनाल के जो वोटर जिन्होंने इतनी वोटें दी, इनके इतने हेलीकॉप्टर कहां से आएंगे कि मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री तो इस्तेमाल कर लेंगे, वो हेलीकॉप्टर में कहां से जाएंगे? आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल है। मुख्यमंत्री की सरकार बोलती है कि मिलों के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, मंडी में भ्रष्टाचार हुआ, और मुख्यमंत्री की सरकार उनको क्लीन चिट देती है, बोलती है कि या कुछ नहीं, या तो मुख्यमंत्री तब झूठ बोल रहे थे या व्यापारियों को बदनाम कोशिश करने की कोशिश कर रहे थे। यहां पे हम तो क्या राजनेता, तो क्या आम आदमी डरा हुआ है? और तो और कोई पत्रकार अगर किसी की सरकार के खिलाफ कोई बात करता है तो आज उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसको रोका जाता है कि किसी तरीके से ये जनता में सच्चाई ना दिखा दे। आज ये हाल यहाँ की सरकार के हैं। देखिए आज हमने आज 22 मांगे रखी हैं, जिस तरह से क्राइम की बात है, जिस तरह से यहाँ पे मुख्यमंत्री एक पैरलर जो सरकार चल रही है, सरकार के पैरलर माफिया सरकार जिसको हम कहेंगे, अगर आज यहाँ पे किसी कोई गरीब आदमी अपने घर की एक अलमारी भी गाली में लगा लेता है तो उसको नोटिस दे दिए जाते हैं। और जबकि भाजपा के अगर नेता यहाँ पे बड़ी बड़ी अवैध बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाती हैं तो उनको आराम से ऑफिस में बुला के चाय पानी नाश्ता कराया जाता है। आज यहाँ पे अगर कोई व्यापारी अपने मॉडिफिकेशन किसी चीज़ का कर लेता है, अपने कार्यालय का, अपने व्यापार का, तो उसको सीलिंग के लिए डराया जाता है, उसको कोर्टों के धक्के खिलाए जाते हैं। ये सरकार सिर्फ लूट खसोट की सरकार है, इसको आम जनता की भावना से, आम जनता के कामों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.